हमने इसको तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा उसके बाद इसको सिलेक्ट करा, ये यहाँ सारी हिस्ट्री चली गई, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। अब पॉली क्यूब को सिलेक्ट करा, ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करा और इसको भी सिलेक्ट करा शिफ्ट दबा के कीबोर्ड के जरिए, फिर ये सब विजन हाइट सब विजन डेथ सबको सिलेक्ट करा, हाँ ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टू, सॉरी ये वन कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा टू, इंटर करा, माउस से भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये टू प्रेस करा इंटर, और यहाँ से भी टू प्रेस कर देते हैं इंटर। अब चारों साइडों से यानी कि दो दो बॉक्स आ गए, ठीक है, पहले ये पूरा एग नज़र आ रहा था, ठीक है। अब इसी को खींच के हम बाहर निकाल सकते हैं, कैसे, इसी पर राइट क्लिक करा और फेस हमें चाहिए, ये फेस आ गया, ठीक है। अभी ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके बाहर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, फिर W प्रेस करा। अच्छा ये चीज़ क्या होती है, W प्रेस करा, इस तरह ये नुकीली आ गई, यानी ये मूव हो रहा है, ठीक है, और E प्रेस करा यानी कि ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, और ये R प्रेस करा यानी कि छोटा बड़ा सा हो रहा है, ये यहाँ से नहीं यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इस ये तीन टाइप होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये मूव, रोटेट और ये स्केल गिज़्मोस, गिज़्मोस क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना है, ठीक है, उसके लिए ये स्केल गिज़्मोस है। स्केल का मतलब क्या होता है, कोई साइज, कोई साइज साइज फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा स्केल, इंचेस में वगैरह वगैरह, ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना हो तो अपना ये स्केल गिज़्मोस से करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको रोटेट करना हो, रोटेट यानी कि पूरा रोटेट करना हो, चक्कर लगाना हो, ये ऊपर नीचे करना हो, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा करना हो, ठीक है, कंट्रोल जेड करा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। उसके बाद इसी चीज़ को मैं ज़रा बाहर निकाल दूँ, मूव मूव गिज़्मोस, ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्म के ऑब्जेक्ट के तीन ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के तीन ट्रांसफॉर्म होते हैं, कौन कौन से, मूव गिज़्मोस, हाँ और रोटेट, हाँ तीन होते हैं, गिज़्मोस इससे पूरा नाम है, ठीक है, हाँ गिज़्मोस आइकन, यानी कि मूव गिज़्मोस, रोटेट गिज़्मोस और ये अपना स्केल गिज़्मोस, ठीक है, इसकी भी शॉर्टकट की यहाँ पे W पे ये मूव आ जाएगा, ठीक है, और ये इसी को कंट्रोल ऐड भी करा, ऑब्जेक्ट मूव करा, पूरे को सिलेक्ट करा, अब ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है, सही है, ये बताते हैं। तो पहले हम ये इस पर एक पे थे ना, राइट क्लिक करा, ऑब्जेक्ट मूव पे चला गया, ऑब्जेक्ट मूव पे जैसे गया तो ये पूरा मैं चाह रहा हूँ सिलेक्ट करके उसको बाहर निकालना है, ठीक है, इसको लेफ्ट क्लिक पकड़ा, ये यहाँ पे, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है, सॉरी हाँ वहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो ये सिलेक्ट हो पड़ी, बिल्कुल को सिलेक्ट करेंगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये मूव गिज़्मोस है, इसकी शॉर्टकट की है W। अब मुझे इसको रोटेट करना है, यानी कि रोटेट गिज़्मोस, E प्रेस करा तो ये रोटेट भी हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से ये रोटेट भी हो रहा है, जिस टाइप से आप इसको रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं, इस तरह से वगैरह वगैरह जिस तरह से रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं। ये हो गया रोटेट गिज़्मोस, ये इसकी शॉर्टकट की है E, और R प्रेस करेंगे तो ये स्केल गिज़्मोस आ जाएगा, छोटा बड़ा इस तरह से, ठीक है, यानी कि एक साइड से छोटा करना है, ये एक साइड से छोटा हो गया, ये ऊपर से भी छोटा हो गया, ठीक है, इसने पतला भी हो सकता है, इसको मोटा करना है, ठीक है, इतना मोटा भी कर सकते हैं, अल्टर दबाया कीबोर्ड के जरिए, लेफ्ट क्लिक दबाया, इस तरह से ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक टूल बता दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्क्रीन को ड्रैग करना हो तो क्या करेंगे, अल्टर दबाएंगे और माउस का लगा होना चाहिए, लैपटॉप है या जो भी सी है पर लैपटॉप में माउस लगा होना चाहिए, अल्टर दबाया और माउस का जो व्हील है उसको क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ड्रैग हो रही है, अच्छा स्क्रीन ड्रैग हो रही है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या करा, अल्टर दबाया, राइट क्लिक दबाएंगे, राइट क्लिक दबा के थोड़ा सा ड्रैग अप करेंगे तो जूम आउट हो रहा है, अल्टर दबा के राइट क्लिक दबा के जूम इन करा, ड्रैग नीचे करेंगे जूम इन हो रहा है, थोड़ा सा इन हो रहा है, हाँ मगर माउस के जो व्हील है ना उसके ज़रिए भी हम यूँ कर सकते हैं, मगर वो कुछ ज़्यादा फेंक रहा है, फिर मैं चाह रहा हूँ इसको स्लो करें, उसके लिए अल्टर दबाया और माउस से राइट क्लिक दबाया, थोड़ा सा ये थोड़ा 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 सा हो रहा है,
ठीक है, ज़्यादा स्पीड से भी कर सकते हो, थोड़ा से भी कर सकते हो। उसके बाद मुझे ये बाहर निकालना है, ठीक है। अब इसको करेंगे एक्सट्रूड, नींद आ रही है, क्या करेंगे एक्सट्रूड करेंगे, बाहर निकालना, नींद आ रही है, नहीं नहीं ऑब्जेक्ट मूव दबाया, ठीक है। उसके बाद ये फेस सिलेक्ट कर देंगे, ये रेड कलर के आ गया, इसको सिलेक्ट करा, ये डब्ल्यू प्रेस करा, क्योंकि मुझे इसको बाहर निकालना है, ठीक है। अब ये बाहर निकाल रहा हूँ तो इस तरह की शेप आ रहा है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल जेड प्रेस करा, अब जाऊँगा या तो हॉट बॉक्स ऑन करूँगा, स्पेस दबाऊँगा, तो ऊपर जितने भी मेन्यू हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी टूल हैं, वो मेरे स्पेस पे पड़े हुए हैं, सही, ठीक है। और मुझे जाना है, कहाँ जाना है, इस पे एडिट मेश में जाना है, एडिट मेश यहाँ भी पड़ा हुआ है, स्पेस को पकड़ के रखेंगे, स्पेस दबाया, पकड़ के रखा, और ये एडिट मेश में लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रूड पर रख कर क्लिक कर देंगे, तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रूड क्या, एक्सट्रूड यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना, अभी मैं बाहर निकालता हूँ, फिर आपको फील हो जाएगा। डब्ल्यू प्रेस करा, यानी कि मूव गिज़्मोस आ गया, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा ये बाहर निकाला, ठीक है, ये बाहर निकल गया। पहले बाहर नहीं निकल रहा था, पहले वो सारा यानी कि पंजा आ रहा था। अब ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, अब ये बिल्कुल इसमें से बाहर निकल गया, ठीक है। इसको मैं चाह रहा हूँ और चार लगा दूँ, और छोटा सा उसमें बाहर निकले, तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको राइट क्लिक करा और ऑब्जेक्ट मूव कर दिया, अब याद क्लिक करो, याद क्लिक करा, तो इस तरह से वायर फ्रेम आ गया। अब अल्टर दबा के माउस लेफ्ट क्लिक दबाया, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कोई शेप बन गया, इसमें आप कोई भी शेप बना सकते हैं। एक्सट्रूड आपको समझ आ गया ना, किसी भी फेस को सिलेक्ट करके, ये फेस को सिलेक्ट करके बाहर खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ इसमें लाइनें चार और मारूँ, इसी पर ही की माउस के ज़रिए राइट क्लिक करा और एज पर क्लिक कर दिया। अब ये लाइन पे अब फेस शो नहीं कर रहा, जस्ट लाइनें शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या करूँगा कि मैं ऊपर जाऊँगा एडिट मेश में, ठीक है, हॉट बॉक्स से ऑन ओपन कर सकता हूँ। एडिट मेश में जाके लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट एज लूप टूल ये लेंगे, ठीक है। वो फिर इसको सिलेक्ट करा, यूँ छोटा सा यूँ कर दिया, ठीक है, और फिर इसको क्लिक करा, यूँ छोटा सा यूँ मैंने कर दिया, और फिर इसी पर ही क्यू प्रेस करा, आइकन चेंज हो गया, ये वाला सिलेक्शन टूल आ गया। इसी पर राइट क्लिक करा और ऑब्जेक्ट मूव कर दिया, ठीक है। तो अब इसी की यानी कि ये चार फेस बन गए, अब इसी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, अब ये फेसेस में जाऊँगा, ये चार फेसेस आ गए, रिकॉर्डिंग भी हो गई, बात भी समझ आ गई। इसी को सिलेक्ट करा, डब्ल्यू प्रेस करा, इसको मैं बाहर निकालूंगा, अब ये बाहर तो निकला मगर वो थोड़ा सा शेप ख़राब कर रहा है। कंट्रोल जेड करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, वही एक्स एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। हाँ चलो, आज तो फर्स्ट क्लास है, इसको बार बार वीडियो सुनते रहना तो आपको समझ आ जाएगी। एडिट मेश में जाके इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया और डब्ल्यू प्रेस करा ताकि वो मूव गिज़्मोस आ जाए, इसको पकड़ के मैंने ये बाहर निकाल दिया, उसी शेप में, हाँ उसी शेप में आ जाएगा, जितना बाहर निकाला उतना वहाँ बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हम क्यूब पे सीख रहे हैं अभी, हाँ अभी क्यूब पे सीख रहे हैं, यानी कि बेसिक बेसिक आप चीज़ बताइए, ये चीज़ें आपके टूल बंदा बनाने के लिए किस पे जाते हैं, बंदा बनाने के लिए हमें रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो ठीक है। एक मैंने कहा आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सारा कुछ बता दूँ, हाँ ठीक है। ये ओपन करा, ये बंदा, हाँ इस तरह से इसमें ट्रेसिंग करेंगे, ये पूरी बॉडी बनाएंगे, फिर ये निकालेंगे, टांग निकालेंगे, फिर दूसरी भी बाजू निकालेंगे। मैं चाह रहा हूँ आपको basic. पूरा हाँ बेसिक से बता दूँ टूल का यूज़ करना, ठीक। अगर आपको टूल का यूज़ करना आ गया ना, फिर आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, सही। इसमें अगर आसान मिल गया